हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनू और आप देख रहे हैं द ऑल वीडियो टीएवी। तो स्वागत है आपका द ऑल वीडियो टीएवी में। आज मैं जा रहा हूँ हनुमान घाट से आगे, क्योंकि आज रात में बारिश हुई थी। सुबह के टाइम पे 12:30 बजे के करीब, तो मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं रोड पे पानी की वजह से रास्ता थोड़ा मिट्टी लग गई है, तो मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह का टाइम है, चलो घूम के चले आते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मौसम बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा। अगर आप लोग को वीडियो देखने में पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं तो मौसम बहुत ही अच्छा है। तो सोचा कि पहाड़ के नज़दीक जाके थोड़ा एंजॉय किया जाए। वैसे मेरे घर के पास में ही पहाड़ है, लेकिन वहाँ पे नहीं गए क्योंकि उतना अच्छा नहीं। सोचा कि थोड़ा राइड लेते हैं बाइक का, तो इसी वजह से इधर घूमने के लिए आए हैं। तो चलिए देखते हैं उधर का सीन और आपको भी दिखाते हैं। तो ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है बाइक चलाने पे, हालांकि मैं उतना फास्ट नहीं चल रहा हूँ बाइक से, फिर भी इधर हवा चल रही है बहुत तेज। और जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए आए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन लाइक या डिसलाइक ज़रूर कुछ कीजिएगा, और कोई भी बात हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, उससे हमें अच्छा खुशी मिलता है कि हाँ कोई तो वीडियो लाइक होता है तो पता चलता है कि वीडियो अच्छा है, डिसलाइक होता है तो पता चलता है कि हाँ वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से आप लोगों ने डिसलाइक किया है, और कॉमेंट करते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है। तो इसलिए कुछ किया कीजिए, वीडियो देखिए तो लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कीजिए यार। तो इधर देख सकते हैं कोई अभी सुबह के टाइम पे कोई आदमी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इधर खेत है और खेत पे लोग खाना वगैरह 10 बजे आते हैं, 9-10 बजे। और आज तो सुबह थोड़ा ठंडा भी लग रहा है इधर, तो लोग क्या करने आएंगे। तो हनुमान घाट हम लोग पहुँचने वाले, वहाँ बस्ती है, लोग रहते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ के लोग रोड पे दिखते हैं या नहीं, या घर में ही सब लोग हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। और अभी तक मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा नहीं हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। आप लोग चाहेंगे तो 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। जिससे कि मैं लाइव आ सकता हूँ और आप लोगों से बातें कर सकता हूँ। वैसे अभी भी मैं लाइव आ सकता हूँ, लेकिन लाइव आने के लिए मुझे पीसी से या डेस्कटॉप मोड में जाके लाइव आना होगा, तो उस तरह बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये हनुमान घाट है और ये बस्ती है, कुछ घरें हैं। और यहीं पे खिचड़ी के दिन मेला लगा था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो। ये देखिए आइकन, बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। और ये हनुमान मंदिर है, अरे ये तो गाय का बच्चा भाग गया। और ये हनुमान घाट का पुल के नाम से जाना जाता है, और नीचे सुवरा नदी है। तो हम लोग अभी और आगे जा रहे हैं,
थोड़ा आगे जाएंगे, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। तो गाइस इधर का माहौल बहुत ही शांत है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इधर बहुत ही शुद्ध हवा भी मिलती है और यहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है इधर, क्योंकि बाजार में गाड़ी बसें चलती रहती है जिसकी वजह से हमेशा साउंड आवाज़ हल्ला होता रहता है, लेकिन इधर बहुत ही शांत है। अगर आप इधर रहते हो तो बहुत ही मज़ा आएगा। इधर लोग नहीं रहते हैं क्योंकि इधर सुनसान है, और लेकिन कुछ लोग रहते हैं, जैसे कि आपको मैं आगे एक घर है आपको दिखाता हूँ, शायद वहाँ पे लोग रहते हैं। और वो ये सब घर में लोग रहते हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता है, आई थिंक रहते होंगे। और ये एक मुर्गी फॉर्म है यहाँ पे, और ये क्या है, मरिया आश्रम। मरिया आश्रम में क्या होता है मुझे नहीं पता है, तो यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे लोग रहते हैं। और आगे इसके बाद लोग नहीं रहते हैं, बस लोग आते हैं इधर अपना खेत वगैरह देखते हैं फिर शाम को चले जाते हैं। ये ब्रेकर, तो आज सुबह जो पानी हुआ है जिसकी वजह से मौसम कुछ अलग ही चेंज हो गया है, और ठंडा लग रहा है बाइक चलाने पे, वैसे उतना ठंडा नहीं है, अब ठंडा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब क्योंकि बारिश की वजह से या क्या रीजन हो सकता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ठंडा उतना नहीं लग रहा है जितना कि जनवरी में लग रहा था। तो जैसा कि आपको जो सामने पहाड़ दिखाई दे रही है, इसी रास्ते से हम लोग आपको आगे दिखाते हैं, यही रोड चला जाएगा अधौरा। और बहुत जल्द मैं कभी अधौरा जाता हूँ तो अधौरा का भी वीडियो आप लोग को दिखाऊंगा, अधौरा का सीन, क्योंकि एक दिन मैं गया था अधौरा कुछ दिन पहले, लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाया कुछ रीजन की वजह से। तो नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगा तो अधौरा का सीन बहुत जल्दी आप लोग को दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं, और ये रोड आप सीधा चला जाएगा अधौरा, और रास्ते में ही तिलहार कुंड ये सब है, लेकिन मैं आगे नहीं जाऊंगा ऊपर, क्योंकि ऊपर नहीं जाना है, तो यहीं थोड़ा देर रुकूंगा, बैठूंगा और एंजॉय करूंगा।